उत्तर प्रदेश के 2022 का विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश का शायद आजादी के बाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये तय होगा कि देश कितना सांप्रदायिक रहता है या कितना सेकुलर रहता है। इस चुनाव के में अब जब एक या दो महीने बाकी हैं, उस समय पे पूरी तरीके से हिंदुत्व को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी हिंदू संगठन है, हिंदू महासभा, उसने एक घोषणा की कि वो 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर बनी हुई मस्जिद जो है शाही मस्जिद, वहां पे मूर्तियां स्थापित करेगा। सरकार ने एक तरफ ये कहा कि वहां धारा 144 लगा दी गई है, किसी तरह का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा मथुरा में। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उन्हीं ने एक ट्वीट करके कहा कि अयोध्या में और काशी में भव्य मंदिर का कार्य जारी है और अब मथुरा की बारी है। ये सरकार किसी न किसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पे जो आने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी कई दशकों से देख रहे हैं और अयोध्या मूवमेंट को भी उन्हीं ने बहुत करीबी से देखा है। शरद जी, स्वागत करते हैं। शरद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब हिंदू महासभा ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि मूर्ति रखेंगे शाही मस्जिद में, तो सरकार की तरफ से वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बयान आया कि वहां धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद आज उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है अयोध्या के बाद। ये सोची समझी साजिश है और ये इस तरीके का बिल्कुल ये एक्शन रिप्ले है जो अयोध्या मूवमेंट का था। अयोध्या में भी इसी तरीके से शुरुआत की जाती थी, बस अयोध्या और मथुरा में फर्क इतना सा है कि उसका झगड़ा जो था, अयोध्या में मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां बाबरी मस्जिद थी, जबकि मथुरा और काशी में मंदिर और मस्जिद को एग्जिस्ट कर रहे हैं सदियों से। लेकिन फिर भी इसको उभारने का इनका प्रयास है, और क्योंकि विश्व परिषद का जो एक जमाने में यही था कि अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीनों जो है हमें वापस चाहिए। वापस का मतलब इनका ये है कि वहां पे जो मस्जिदें बनी हुई हैं मथुरा में और काशी में, उनको खत्म करके हमें पूरे में मंदिर बनाना है, जबकि ऑलरेडी मंदिर है वहां पे। तो ये साफ साफ दिखता है कि खासतौर से मुझे इसके पीछे दिखता है साजिश, इसलिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता हुई है। किसानों के आंदोलन ने फिर से हिंदू मुस्लिम की जो कार्य झगड़ा क्रिएट किया था बीजेपी ने 2013 में, जिसकी वजह से वो 14, 16, 17 और 19 के इलेक्शन स्वीप करे बीजेपी ने, वो कम्युनल डिवाइड करके, और अब ये जो वापस रेस्टोर हो गई है यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेस्टर्न यूपी में, तो इनको खतरा पैदा होने लगा कि अब ये क्या करें। तो इसीलिए ये शगुफा छोड़ा गया है कि फिर से किसी तरीके से कम्युनल डिवाइड हो जाए, तो बड़ा डेंजरस स्टेप है ये। और ये खाली ये मूर्ति रखने की जो बात है ये कह करके, और 6 दिसंबर इसीलिए चुना गया क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी 1997 में, तो इन्होंने वो भी सब बड़ी, तो ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं होती है। ये जो पूरी आरएसएस और इसके जो अलाइड संगठन है बीजेपी और आरएसएस के, ये सब लोग तो किसी न किसी को छोड़ देते हैं। तो इस केस में कोई ये अखिल भारत हिंदू महासभा, ये कौन सी विंग है हिंदू महासभा की नहीं पता, क्योंकि हिंदू महासभा का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नाम था वो ये नहीं है, तो उनके जरिए से कराया गया। और खाली यही नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एक्शन होता है ना, ये पूरा कैलकुलेटेड होता है कि पहले उन्होंने काम सेक्शन 144 लगा देंगे, ये दोनों तरफ से ये वो बिल्ड कर रहे हैं, एक तरफ से अपने आदमियों से कहलवाते हैं, फिर इधर से ही। फिर कल फ्लैग मार्च भी हुआ है वहां पे, ऑफ आर्म बीएसी का फ्लैग मार्च किया गया है, तो उससे क्या होता है कि फिर माहौल बनता है। तो ये दोनों तरफ से खेल हो रहा है और ये कितना बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि इनका मकसद सीधे सीधे साफ साफ ये दिखता है कि किस तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें और हिंदू पोलराइजेशन पे वापस चले जाएं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा बचता नहीं। सुमन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में सिर्फ एक महीना बाकी है और ऐसे में मथुरा का इशू उठाया जा रहा है, मथुरा के मुद्दे को किसी तरह उस पर राजनीति गर्म की जा रही है, किस तरीके से ये सब चीजें, ये जो पोलराइज करने का है, ये कोई धर्म का मसला नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीति का मसला है। और अभी अभी जो ये ट्वीट आया है, और मैं समझती हूँ कि ये ट्वीट उनके द्वारा ही किया गया है, केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ही, क्योंकि उस ट्वीट में ब्लू टिक भी लगा हुआ है,
उप मुख्यमंत्री भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑफिशियली कोई बात कही जा रही है, सिर्फ एक पार्टी द्वारा नहीं। नहीं तो आप अपने प्राइवेट हैंडल से भी उसको ट्विटर हैंडल से कर सकते थे। तो इस तरीके की जो बात कही जा रही है ये पोलराइज करना है, सांप्रदायिक तौर पे विभाजित करने की बात है। अगर एक उप मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कह रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट का फेलोर है कि उसने जो इतना अब तक के विकास का जो पूरा इतना सारा सर्टिफिकेट तरह तरह के हासिल किए हैं, तो और उसके बाद भी ये अयोध्या मथुरा काशी की बात कहनी पड़े। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, जिन्होंने पूरा अयोध्या मूवमेंट जो था, जो पूरा अयोध्या आंदोलन था, उसको भी करीब से देखा है और यूपी की राजनीति को भी करीब से देखते हैं। हुसैन अफसर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हिंदू महासभा का एक बयान आया कि मथुरा में जो मस्जिद है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में 400 बरस से तकरीबन खड़ी है, हम वहां मूर्तियां रखेंगे। लेकिन सरकार ने एक बात कही कि हम धारा 144 लगा रहे, वहां कोई जमावड़ा नहीं करने दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई सभा नहीं होगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अब काशी की बारी है अयोध्या के बाद, तो किस तरीके से इस राजनीति को देखते हैं? अब ये कहना कि हम वहां रख देंगे तो ये इससे सिवाय मुल्क का माहौल खराब होगा, सिर्फ बयानी से माहौल खराब हो सकता है। इसमें सरकारों को, जो दिल्ली और लखनऊ की सरकार है, उनको कंट्रोल करना चाहिए, विशेषकर ऐसे अपने लोगों को जिनको मैंने चोर से कहते हैं कि चोरी करो, शाह से कहते हैं जागते रहो। ये उस तरह का ये मिसाल है कि आप सरकार में भी हैं आप और आप उपद्रव भी मचवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो सब कुछ हो रहा है मथुरा को लेकर, इसके समय को लेकर तारीख 6 दिसंबर चुनी, महीना वो चुना जिसके अगले ही महीने उम्मीद की जा रही है कि चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, वो तो रणनीतियां हमेशा से इसी तरह से बनाते हैं वो, और उसमें वो बहुत कैलकुलेट करते हैं और तारीखों का जोड़ घटाव करते हैं। उनके पास में इंटेलिजेंस भी है, उनके पास में पुलिस भी है, उनके पास में तमाम तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सबका दिमाग उनके पास, बड़े बड़े ब्रेन्स हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ के फैसले करते हैं और नारे देते हैं और तारीखें बताते हैं। एक सवाल हम आपसे आखिरी जरूर करना चाहेंगे, जिस प्रदेश ने अभी इतना बड़ा कोरोना संकट देखा है, गंगा में बहती हुई लाशें देखी है, लाशें जलाने के लिए पैसा नहीं था लोगों के पास, लाशें बहाई गई, गंगा के किनारे खबरें देखी गई, इसके अलावा लखनऊ में ही अगर हम बात करें तो जो लखनऊ में जहाँ पे अंतिम संस्कार होता था वहां पे टेम्परेरी दीवारें तक उठाना पड़ी कि मीडिया उसको ना दिखा सके, ऐसी वक्त थी। कृषि संकट भी है, 3 साल में कुल 25 रुपए 3-4 साल में बढ़े हैं गन्ने के ऊपर पर, आवारा पशुओं का संकट है, नौकरियों का संकट है, ऐसे में ये बातें क्या पब्लिक इनकी इन बातों में आएगी? नहीं, कभी तो आ भी जाएगी। उसकी वजह यह है कि पब्लिक को ये नहीं, इसकी फिक्र नहीं है कि 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहेगा, इन्हें एक तरफ फिक्र भी है उनको, लेकिन वो उनका वोट बैंक है बाकायदा। और जो हालात पैदा हुए कोविड में वो भी आपके सामने आएंगे, थोड़ा बांटा और कितना परेशान हुए, गैस की कितनी कमी हुई, कितने लोग मरे, फिर लाशें कहाँ देखी गई हैं, आप देखी गई जमुना किनारे, गंगा किनारे और यहाँ वहां सब तरह की गई, लेकिन कोई असर उसके ऊपर हुआ नहीं सरकारों पर। इन्हें सरकारों पर असर इस तरह से होता है कि इतने, अब जो ये जो दौर चल रहा है इसमें इंतजाम की जरूरत है, अच्छे प्रबंध की जरूरत है। कम से कम कोविड को गए हुए अभी 6 महीने 8 महीने तो हो गए होंगे, इस दौरान बहुत से अस्पताल और हो सकते थे, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी हो सकती थी, क्योंकि जो थर्ड लहर की बात की जा रही है, जो नया जो वेरिएंट आया उसकी बात की जा रही है, तो तैयारी क्या है? तैयारी कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही निकलने लगे, सोशल डिस्टेंस खत्म हो गई, वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ, चलिए वैक्सीनेशन में तो अब तेजी आ गई है। हमारा कहने का मतलब यह है कि इन हालात में कैसे आदमी अपनी फैमिली की फिक्र करेगा या मंदिर और मस्जिद और मजार की बातें करेगा, एग्जिस्टेंस का मामला है, उसमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान ना देने का मतलब है कि सरकारें जो उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो एक तरफ तो कहती हैं कि ये कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, दूसरी तरफ वो उन लोगों को नहीं रोकती हैं कि जो इस तरह के नारे देते हैं, तो ये एक तरह से मिली भगत होगी। इस चुनाव के माहौल में अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके,